किसी को मिला हो या ना मिला हो, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को तो बड़े सबक दे दिए हैं। इसलिए पार्टी के बड़े नेता अब अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माहौल और चुनावी रणनीति दोनों में बदलाव हो रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी खुद को मजबूत मान रही थी, वहां से आए नतीजों ने भी बीजेपी को आईना दिखा दिया। अब लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी अपने कैंपेनिंग के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट ला रही है, चेंजेस ला रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एनडीए के सहयोगियों की बदौलत बीजेपी ने हालांकि देश में तीसरी बार सरकार बना तो ली है, लेकिन अब अपनी गलतियों को भी सुधार रही है। और यही वजह है कि खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूनिट से ही रिपोर्ट तलब की गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सभी को पता है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके 15 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जबकि खुद पार्टी के ही कुछ और नेता भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट में 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के असंतोष और प्रशासन की मनमानी को हार की प्रमुख वजह बताया गया है। खैर, इस साल के आखिर तक जो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, उन पर बात करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है, तो बीजेपी अब इन चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रही है। पहले हरियाणा की बात करते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है। यहाँ किसान और जाट वोटर्स को बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स पर भरोसा कर रही है और ओबीसी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर अपनी स्ट्रैटेजी भी साफ कर रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनकी जगह पर पिछड़ा वर्ग से आने वाले नायाब सैनिक को बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की सौंपी गई। पार्टी को लगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कुछ फायदा होगा, हालांकि नतीजे आए तो इसका बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में क्लीन स्वीप की बात करने वाली बीजेपी को सिर्फ 10 में से 5 सीटें ही मिली है लोकसभा में। इस झटके के पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है और मोहन लाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जाट चेहरे हैं और राजस्थान के बड़े नेता माने जाते हैं। हरियाणा में ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। राज्य में 21% ओबीसी मतदाता है, जबकि जाट मतदाता 22.2% है। करीब 20% दलित आबादी है। बीजेपी जाट और किसान को भी मनाने की लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी यहां करीब 10 साल से गैर जाट ओबीसी की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने मनोहर लाल के हाथों में हरियाणा की कमान देकर जाट सीएम की परंपरा को भी तोड़ा था। अब 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव इस साल आखिर तक होगा, यानी अक्टूबर नवंबर तक। ऐसे में हरियाणा सरकार के फैसलों में युवाओं से लेकर ओबीसी वर्ग की झलक देखने को मिल रही है। बीजेपी ने ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 15 दिन में 2 बार हरियाणा का दौरा किया है। अपने दूसरे दौरे में उन्होंने साफ कर दिया कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्रीमी लेयर की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं देगी और उनकी इसी बात से, इसी घोषणा के साथ ही कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। वहीं हरियाणा सरकार ने युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीर को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी और नई रणनीति कितना बीजेपी को आने वाले विधानसभा में फायदा पहुंचा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।